इफ वी क्लोजली ऑब्जर्व द क्रिकेट प्लेइंग नेशन, तब हमें देखने को मिलता है ना जो हर एक क्रिकेट प्लेइंग नेशन जो है वो किसी ना किसी तरीके से कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ही पार्ट है। मतलब आज के टाइम में जो 20 क्रिकेट प्लेइंग नेशन है जिनके पास ओडीआई स्टेटस है ना, अगर हम सारी कंट्री को एनालिसिस करेंगे ना तो हमें देखने को मिलता है सारी कंट्री ही ना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ब्रिटिश एम्पायर से कनेक्टेड है। बट देर इज एक्सेप्शन ओनली, अगर हम इस लिस्ट को देखेंगे ना तो नेदरलैंड्स ही ना इकलौता कंट्री है जिसका जो लिंक है वो ब्रिटिश एम्पायर के साथ नहीं था। बट नेदरलैंड्स में क्रिकेट कैसे आया था? सो ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी में ना, जब इंग्लैंड एंड नेदरलैंड्स के पास इतना ज्यादा कॉलोनीज नहीं था, उस टाइम में ना इस दोनों कंट्री के बीच में बहुत ही ज्यादा ट्रेड होता था, एंग्लो डच ट्रेड, जो बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। एंड इस ट्रेड की वजह से ना जो इंग्लैंड एंड नेदरलैंड्स के बीच में बहुत मतलब क्रिकेट की जो एक्सपर्टीज है वो आपस में शेयरिंग हुआ। एंड इसके बाद उस टाइम में इंग्लैंड की जो कुछ नोटेबल कॉलोनीज था जो यूएसए एंड कनाडा में था, तो इस टाइम में ना एक नेपाली वॉर हुआ था जिस वॉर में नेदरलैंड्स एंड यूके के बीच में एलाई था, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड के जो मतलब सैनिक है वो नेदरलैंड में जाके रहते थे। तो उस टाइम ही ना जैसे हर एक कंट्री में क्रिकेट का जैसा स्प्रेड हुआ है, वैसे ही जो क्रिकेट की एक्सपर्टीज है वो नेदरलैंड के पास गया है। बट इसके बाद से क्या हुआ? इसके बाद दूसरे कंट्री में जहाँ पर क्रिकेट का हमें इतना ज्यादा मैसिव एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, बट नेदरलैंड्स में क्रिकेट इतना क्यों पॉपुलर नहीं हुआ एज कम्पेयर टू, देखो तो नेदरलैंड्स में बहुत ही पहले से क्रिकेट को एग्जिस्ट करता था, बट वही नेदरलैंड्स में इतना पॉपुलर नहीं हुआ। तो ये कहानी स्टार्ट होता है लेट 19th सेंचुरी में। लेट 19th सेंचुरी में ना एक बोर वॉर हुआ था। तो मैं बोर वॉर को आपको इजी में आपको बताऊँ ना, ड्यूरिंग द सेकेंड बोर वॉर में ना नेदरलैंड्स के कुछ वॉलेंटियर्स ने बोर वॉरियर्स को सपोर्ट किया था, जिसके वजह से ना जो यूके है वो वॉलेंटियर्स है ना वो वॉलेंटियर्स को पकड़ कर जेलों में बंद करने लगा था, जिसके वजह से ना नेदरलैंड्स ने जो डच पीपल थे वो क्रिकेट को बायकॉट कर दिया था, जिसके वजह से ना गाइस जो क्रिकेट है नेदरलैंड्स में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है गाइस। बट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी के बाद जब नेदरलैंड्स एंड इंग्लैंड के बीच में रिलेशन भी ठीक ठाक हुआ, इसके बाद से क्रिकेट को दोबारा से नेदरलैंड्स में खेला जा रहा था। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो देखो आज के टाइम में ना नेदरलैंड्स में टोटल 50 से भी ज्यादा क्रिकेट क्लब्स मौजूद है। एंड ऑल्सो गाइस इंडोनेशिया जो कंट्री है ना, इस कंट्री में आपको पता है क्रिकेट किसने इंट्रोड्यूस किया था? नो, दिस इज नॉट ब्रिटिश, नेदरलैंड्स ने इंडोनेशिया में क्रिकेट का इंट्रोड्यूस किया था। एंड ऑल्सो गाइस नेदरलैंड्स की जो एक कॉलोनी है ना सेंट मार्टिन ऑल्सो है पार्ट ऑफ ए वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड। तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहा है। एंड इसके बाद देखो 1966 पे नेदरलैंड्स को एसोसिएट मेंबर का स्टेटस भी मिला था। मैंने आपको सिंपली नेदरलैंड्स की पूरा हिस्ट्री तो बता दिया है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं करंट सिचुएशन के बारे में। तो आज के टाइम में ना 6500 से ज्यादा क्रिकेटर्स हैं नेदरलैंड्स पे अक्रॉस द कंट्री। एंड नेदरलैंड्स की अगर बात करें जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है वो है फुटबॉल। तो अगर हम एज कम्पेयर टू क्रिकेट एंड फुटबॉल देखें ना तो ओनली 6500 ही क्रिकेटर्स है नेदरलैंड में। एज कम्पेयर टू अगर फुटबॉल को देखें तो टोटल 1,200,000 ऐसे फुटबॉलर्स है जो नेदरलैंड्स पे फुटबॉल को खेलते हैं। तो आप शायद डिफरेंस समझ चुके होंगे कि नेदरलैंड्स में फुटबॉल कितना पॉपुलर है एंड क्रिकेट रिलेटिवली बहुत ही एक नीश स्पोर्ट है एंड क्रिकेट का पॉपुलरिटी इतना कुछ ज्यादा नहीं है। बट रिसेंट ईयर्स में ना कुछ तो प्रोग्रेस दिखा है इस टीम ने, जैसे 2023 के जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसमें नेदरलैंड्स ने क्वालिफाई किया है एज एसोसिएट नेशन। ऑल्सो गाइस 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप होंगे ना इसमें भी नेदरलैंड्स ने डायरेक्टली क्वालिफाई किया है, उनको कोई भी क्वालिफायर्स खेलना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही कुछ अचीव तो किया है रिसेंट ईयर्स में एंड उनके कारण सिचुएशन यही बताता है। एंड पॉसिबल है कि 2025 तक आते आते ये टीम बन सकता है एक फुल मेंबर का टीम। यस, मैं गारंटली से आपको बता सकता हूँ, मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है गाइस। ओके, 2025 तक आते आते जो नेदरलैंड्स बोर्ड की ना एक टारगेट है कि वो 2025 से आते आते ना एक फुल मेंबर की टीम बनना चाहता है। तो मुझे भी लगता है गाइस 2025 से आते आते ये टीम एक फुल मेंबर की टीम बन सकता है। अगर बात करें नेदरलैंड के बीच में जो स्टेडियम्स है, स्टेडियम की अगर बात करें तो देखो टोटल 6 ऐसे इंटरनेशनल स्टेडियम है जो नेदरलैंड्स पे है, जिसमें से जो सबसे जो कॉमन स्टेडियम है वो है VRA ग्राउंड, जिसमें ज्यादातर जो नेदरलैंड्स है वो मैच की वो खेलते हैं। इसके बाद है वेस्ट वेलवेट भी उनके स्टेडियम है, शूट्सविल में भी उनकी एक स्टेडियम है। टोटल 6 स्टेडियम है उनके पास। तो नेक्स्ट अगर बात करें हाउ मेनी नेटिव प्लेयर्स आर देयर इन देयर नेशनल स्क्वाड, तो अभी के टाइम में ना टोटल 4-5 ऐसे प्लेयर है जो लोकल प्लेयर्स है जो उनकी नेशनल स्क्वाड में भी है, जैसे कि वर्जिले, टिम पिंगल, पॉल वैन मैकेरन, विवियन किंगमा, ऐसे कुछ आपको लोकल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। एंड वर्जिले बहुत ही अच्छे प्लेयर्स है गाइस नेदरलैंड्स की, मतलब मैंने जितना एसोसिएट मेंबर को फोकस किया ना तो गाइस वर्जिले वन ऑफ द सबसे बेस्ट प्लेयर मुझे लगा है।
एंड गाइस बात करें नेदरलैंड्स की टीम की, तो देखो नेदरलैंड्स की टीम में भी हमें और टीम की तरह ना जो फॉरेन प्लेयर्स है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखो साउथ अफ्रीका के साथ उनकी एक काफी अच्छा हिस्ट्री रहा है, जिसकी वजह से जो साउथ अफ्रीका की डिसेंट के जो लोग है वो नेदरलैंड्स टीम को आपको देखने को मिलता है, जैसे कोलिन एकरमैन, वैंडर मारवी जैसे प्लेयर्स जो आपको नेदरलैंड्स की टीम को में देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ ऑल्सो न्यूजीलैंड की प्लेयर्स एंड ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर्स, इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स एंड ऑल्सो इंग्लैंड के प्लेयर्स भी आपको नेदरलैंड्स की टीम में देखने को मिलेंगे। तो ये बात तो है गाइस कि नेदरलैंड्स की टीम में ना नेटिव प्लेयर्स है वो कंपैरेटिवली कम है गाइस, बट ऑल्सो नेदरलैंड्स की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मतलब खराब भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक ही है। तो अगर क्रिकेट पॉपुलर होना इस रीजन में तो जरूर देखो नेटिव प्लेयर्स हमें आसानी से देखने को मिलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है गाइस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तो अभी नेदरलैंड्स के जो क्रिकेट बोर्ड है वो अभी क्या कर रहा है क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए। तो अभी ना नेदरलैंड्स के जो क्रिकेट बोर्ड है वो अभी क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए क्रिकेट फॉर किड्स एक डेवलपिंग प्रोग्राम रन कर रहा है अक्रॉस द कंट्री, जिसमें जो वो 6 से लेकर 12 एज के बीच में जो बच्चे है ना उनको ट्रेन कर रहे हैं क्रिकेट में एंकरेज लेने के लिए। क्योंकि फैक्ट देखो नेदरलैंड्स पे ना फुटबॉल एक वाइडली पार्टिसिपेट स्पोर्ट है, नेदरलैंड्स पे फुटबॉल ना एक रिलीजन की तरह माना जाता है। एंड नेदरलैंड्स पे ना गाइस टोटल अगर फुटबॉल क्लब्स की अगर बात करें तो देखो 35,000 क्लब्स है इन अराउंड द कंट्री एंड दूसरी और क्रिकेट में ओनली 50+। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है गाइस, क्योंकि क्रिकेट को कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा मिल रहा है। एंड ऑल्सो गाइस बेसबॉल भी इधर काफी पॉपुलर है। प्रॉब्लम इसकी गाइस देखो जैसे इंडिया है, अगर इंडिया की एग्जांपल के लेके मैं समझाऊं ना आपको, देखो इंडिया बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पे पार्टिसिपेट करते हैं। विंटर ओलंपिक की एक स्पोर्ट्स है लूज, लूज करके एक स्पोर्ट है, हम इसके बारे में नहीं जानते, लूज स्पोर्ट्स के बारे में हम इतना नहीं जानते। दूसरे दूसरे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जिसके बारे में हमने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। तो सेम कुछ कंडीशन नेदरलैंड्स में है, नेदरलैंड्स के लोग क्रिकेट को इतना ज्यादा जानते ही नहीं है, मतलब क्रिकेट एक अननोन स्पोर्ट्स है नेदरलैंड्स में, इतना ज्यादा लोग जानते ही नहीं है। नेदरलैंड्स पे मैंने एक चीज देखा है कि किसी भी स्पोर्ट्स हो वो लोग हर एक स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, मतलब हर एक स्पोर्ट्स को वो लोग सपोर्ट करते हैं। एंड बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री भी है, जिसकी वजह से हर एक स्पोर्ट्स में आपको डोमिनेंस देखने को मिलता है। गोल्फ ले लो, रग्बी ले लो, बास्केटबॉल ले लो, सभी स्पोर्ट्स में उनका एक पार्टिसिपेशन तो एटलीस्ट देखने को मिलता है। तो बहुत ही एक रिच कंट्री है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो क्रिकेट है वो नेदरलैंड्स में अननोन है, बहुत ही अननोन है गाइस, इसकी वजह से क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। क्रिकेट नेदरलैंड्स में इतना अननोन रहने का जो मैं रीजन देना चाहता हूँ ना, वो मैं देना चाहता हूँ आईसीसी को। एंड आपको तो पता है मैं कितना ज्यादा हेट करता हूँ आईसीसी को, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज्यादा हेट करता हूँ। मैं जितना हिस्ट्री को पढ़ता हूँ ना क्रिकेट से रिलेटेड, एक का ही दोष निकल कर आता है, दे आर आईसीसी। एंड बैक टू आवर टॉपिक, तो नेदरलैंड्स के अभी जो बोर्ड है वो क्रिकेट को पॉपुलर करने के लिए ना डेवलपिंग प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले टाइम में वो उसका फर्क भी हमें देखने को मिलेगा, रातों रात कुछ नहीं होता, फर्क देखने को धीरे धीरे जरूर मिलेगा। सो लास्ट एंड आखिर में हम जानते हैं व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम। सो 2020 में एक रिपोर्ट आया था जो नेदरलैंड्स की जो गवर्निंग बॉडी है उन्होंने एक विजन रखा था दुनिया के सामने कि नेदरलैंड्स 2025-26 आते आते ना एक आईसीसी का एक फुल मेंबर टीम बनेगा। तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्यूचर के लिए? गाइस मैं ट्रस्ट पे एक ही बात बोलता हूँ, फ्यूचर नेदरलैंड्स के लिए बहुत ही ज्यादा होने वाला है, बहुत ही क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है फ्यूचर में। कैसे मैं आपको बताता हूँ, 2023 की उनकी परफॉर्मेंस देखो, आई नो देयर टीम में स्टिल लैक द नेटिव प्लेयर्स, बट फिर भी गाइस कुछ देखो रेफरेंसेस जरूर होंगे। आप केनिया टीम को देख लो, केनिया टीम ने जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था ना वर्ल्ड कप में, तब उनकी टीम में भी देखो ज्यादा मतलब नेटिव प्लेयर्स नहीं था, कुछ आपको फॉरेन प्लेयर्स देखने को जरूर मिला था। तो सेम ही कुछ अभी नेदरलैंड्स में है। तो मैं ना कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, मतलब मेरा कुछ ओपिनियन रखना चाहता हूँ। देखो कोई भी टीम, जैसे अगर कोई इंग्लैंड टूर होंगे तो इस टूर के पहले ना इंडिया 2 मैचेस या फिर 1 मैचेस नेदरलैंड जैसे टीम के साथ खेल सकते हैं। देखो आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि लास्ट टाइम कितने मैचेस नेदरलैंड्स एंड इंडिया के बीच में हुआ था, तो टोटल ऐसे 2 ही टाइम ओडीआई में हुआ था जैसे दोनों टीम ने हेड टू हेड खेला था, एंड दोनों टाइम ही वर्ल्ड कप में मैचेस था। तो देखो आईसीसी लैक्स इन दिस पॉइंट, तो मेरे हिसाब से ना गाइस तो बायलैटरल सीरीज को किल कर दो एंड ट्राई नेशन सीरीज, क्वाड लेवल सीरीज को इंक्लूड करो। नेपाल एंड नेदरलैंड्स के बीच में फर्क इतना ही है क्योंकि नेपाल के पास था टैलेंट है, बट उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से होना तो नेपाल देखो किधर जा सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस दूसरी ओर नेदरलैंड्स की टीम में ना मतलब पैसा बहुत है, बट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है उधर की पॉपुलेशन में। अगर किसी रूप से कुछ भी पॉपुलर हो जाए ना, मतलब फुटबॉल जितना नहीं, मतलब बास्केटबॉल जितना भी पॉपुलर हो जाए ना, तो क्रिकेट और भी ऊपर जा सकते हैं नेदरलैंड्स पे। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है नेदरलैंड क्रिकेट बोर्ड से, एंड होप तो है गाइस कि 2025 एंड 2026 आते आते, मुझे लगता है इससे पहले ही
वो टीम फुल मेंबर टीम बन सकते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया है ना उन्होंने फुलफिल कर दिया है। उनके पास वुमेन्स टीम भी है, उसके बाद कुछ मतलब जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। उन्होंने 5 ऐसे नेशन को भी हरा दिया है पीछे कुछ सालों में, एंड लगता है गाइस वो लोग कर लेंगे। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो, एंड शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस मेरा पूरा वीडियो के देखने के लिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।